मार्क्स का पेपर ही होता है। अच्छा चलो आप शांत रहो। देखो बाबू क्या बाबू, आइटम है, मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट है, कंपाउंड है ना बाबू। तो कल आइटम के बारे में बता दिया था बाबू, एप्पल ले लिए थे, कॉलीफ्लावर ले लिए थे, उसके बारे में तो बता दिया था। उसके बाद आइटम को जोड़ दो, आइटम को जोड़ो है ना बाबू, एक एक आइटम जो जोड़ के क्या बनाएंगे, मेरा मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तब दो तरह से कम्बिनेशन होगा, एगो सेम सेम आइटम जुड़ेगा सर, एगो डिफरेंट डिफरेंट आइटम जुड़ेगा है ना बाबू। जैसे हमारे पास मान लो बाबू तीन को आइटम है, एक हाइड्रोजन है सर, या हाइड्रोजन आइटम हो गया, ऑक्सीजन आइटम हो गया है ना बाबू, हाइड्रोजन आइटम हो गया, ऑक्सीजन आइटम हो गया, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन आइटम है बाबू, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा, मान लो हाइड्रोजन एच प्लस एच, मेरा क्या बनाएगा, एच टू बनाएगा है ना। तो ये जो हाइड्रोजन एक सिंगल आइटम बाबू, हाइड्रोजन मेरा क्या है, एक सिंगल आइटम है ना, तो इसको जब जुड़ जाएगा एच प्लस एच। देखो बाबू हमेशा केमिस्ट्री में याद रखना, जैसे बाबू एक्स प्लस एक्स मैथ में कितना होता है सर, टू एक्स होता है ना, तो एच प्लस एच मैथ में मत कर देना, मैथ में एच प्लस एच टू एच मत कर देना है ना, ऐसे नहीं होता केमिस्ट्री में, मैथ में ऐसे होता है ठीक है ना। केमिस्ट्री में हम लोग एच प्लस एच क्या करेंगे, एच टू करेंगे, आपको बेसिक बेसिक अभी लैंग्वेज पढ़ा है ना, ठीक है, एच टू करेंगे। तो एक ये क्या हुआ, आइटम हो गया, आइटम जोड़ के क्या बनाएगा, एक एक आइटम जोड़ के क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा है ना बाबू, मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है सर मॉलिक्यूल बनाएगा, अच्छी बात है ना। अब बाबू तो यहाँ कितने तरह के कम्बिनेशन पॉसिबल है, दो तरह के कम्बिनेशन पॉसिबल है ना सर, एक बाबू सिमिलर आइटम कंबाइन होगा, सिमिलर आइटम कंबाइन होगा है ना, एक क्या हो सकता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर दो, एक क्या हो सकता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर दो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर कंबाइन करो बाबू, मान लो एक कितना आइटम है सर, दो का हाइड्रोजन का आइटम है, माने तो दो हाइड्रोजन का आइटम है, एक ऑक्सीजन का आइटम है, तो कंबाइन होकर क्या बनेगा, एच टू ओ बनेगा, जो मेरा क्या होता है, पानी होता है, पानी होता है ना बाबू, कि नहीं। तो ये भी मेरा मॉलिक्यूल्स हो गया, ये भी मॉलिक्यूल्स हो गया बाबू, और ये भी मॉलिक्यूल्स हो गया है ना, तो एक मॉलिक्यूल्स हुआ, ये एक मॉलिक्यूल्स हुआ है ना बाबू, ठीक है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दो, तो आपको क्या बना, जैसे एक गिलास पानी है, तो एक गिलास वाटर लगा बाबू, एक गिलास वाटर लगा शैतान, एक गिलास वाटर लगा, जैसे एक गिलास वाटर है ना बाबू, क्या एक गिलास वाटर है ना, वाटर है, तो इसका एक एक छोटा सा ड्रॉप उठाओ, छोटा सा ड्रॉप बाबू, जिसको आप लोग बाबू मैंने ओपन आई से देख भी नहीं सकते, तो एक इसका एक जो मॉलिक्यूल्स होगा कौन बनेगा, एच टू ओ बनेगा। अब बहुत सारे एच टू मॉलिक्यूल्स बना के क्या बनाएंगे बाबू, ये आपका वाटर बनेगा है ना, बहुत सारे एच टू मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या एक गिलास पानी बनेगा है ना, पानी बनेगा। तो यहाँ बाबू क्या डिफरेंट आइटम है ना बाबू, डिफरेंट आइटम है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड कहेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट आइटम का मॉलिक्यूल्स है ना बाबू, डिफरेंट आइटम का मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कंपाउंड का है, सेम आइटम बना सेम सेम आइटम हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे है ना, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे एलिमेंट कहेंगे ना, एलिमेंट कहेंगे। जैसे बाबू देखो ये जो बाबू, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, पिलास है ना बाबू है ना, ये है ठीक है ना, तो ये क्या है लोहा का, आयरन का बना हुआ, आयरन का बना है ना, तो ये आयरन का बना हुआ, किसका बाबू, आयरन का बना हुआ, लोहा, लोहा आयरन, आयरन मीन्स क्या बाबू, लोहा है ना, आयरन। तो आयरन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ ही होता है आयरन का बाबू, हम लोग केमिस्ट्री में क्या एफ ही पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा चीज है बाबू, जो सारा का एक ही आइटम से बना हुआ, एक ही टाइप के आइटम से बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा, ये पूरा जो सीट है बाबू, जो पूरा ये सीट है, पूरा जो ये सीट है बाबू है ना, आयरन का सीट है, आयरन का सीट है ना, ये क्या होगा, तो ये एलिमेंट होगा, आयरन का क्या होगा, एलिमेंट होगा। क्यों कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स, आयरन के मॉलिक्यूल्स मिल मिल के जोड़ जोड़ के आपके क्या बनेगा, ये आयरन बना, आयरन सीट बना, आयरन सीट बना है ना, सीट बना आयरन का है ना, तो ये क्या होंगे एलिमेंट कहलाएंगे। एक ही टाइप्स के आइटम, अगर एक ही टाइप्स के आइटम कंबाइन हो तो क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स के आइटम कंबाइन होकर क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मॉलिक्यूल्स का कम्बिनेशन को हम लोग फर्दर क्या कहेंगे, कंपाउंड कर देंगे, कंपाउंड कहेंगे ना। और बाबू ये एलिमेंट हो गया, ये बाबू क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, तो सिमिलर टाइप ऑफ आइटम कंबाइन होगा, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम कंबाइन होगा, तो मेरा क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा। तो वही लिखा मॉलिक्यूल्स सर बाबू मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम, एक ही टाइप वैसा मॉलिक्यूल बाबू जो एक ही टाइप के आइटम से बना हुआ है ना, एक ही टाइप के आइटम से बना हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट, ठीक। हाँ बाबू बोलिए सर। आनंद अभी तक नहीं आया सर, उसका अटेंडेंस काट दिया। अच्छा एक आनंद नहीं आया, प्रकाश सिंह बाबू, प्रकाश सिंह और शिवांगी, ये सब शैतान खाली वीडियो, इसका शिवांगी एक दिन तो इसके पापा का फोन करते हैं, आज कल जरूर करें, वो आनंद हो गया है वो इसके, ठीक है ना, वो शिवांगी का पापा पढ़ती लिखती नहीं है, ठीक है, देखो ना इसका इसका कल एग्जाम है ना, बहुत कम मार्क्स आएगा, देखना शिवांगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया सर, ये कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, ये आयरन हो गया, शिवांगी का, ठीक है ना, मैं शिवांगी बोल रही हूँ सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो मन से, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं सर। वीडियो मेरा थोड़ा सा ऑफ था क्योंकि लाइट इधर नहीं है, तो ऑन करने गई थी इसीलिए ऑफ करके गई थी सर। हाँ आप ऑन कर रही हूँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है,
अरे बाबू मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, वो दोनों बात समझते, मैसेज आता है शिवांगी वीडियो वन शिवांगी वीडियो ऑफ, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। हाँ हाइड्रोजन है सर, कार्बन है सर, आयरन है सर, हीलियम है ना, तो ये सब क्या है बाबू? एलिमेंट है। ये सब क्या है बाबू? एलिमेंट है। कंपाउंड क्या होगा बाबू? कंपाउंड क्या होगा? मॉलिक्यूल्स बाबू भी चाहे बाबू मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम आपस में कंबाइन करेंगे क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, बस यही कुछ और कुछ नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट बाबू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या बाबू? ये देखो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में बाबू सोडियम क्लोराइड कौन सा? खाने वाला नमक, देश का नमक है ना, खाने वाला नमक। तो खाने वाला नमक को छोटा सा एक एक एकदम छोटा सा पार्टिकल होगा, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। अब बहुत सारे NaCl, NaCl, बहुत सारे NaCl, NaCl कंबाइन कर दो है ना बाबू, तो मान लो आपका एक चम्मच क्या बन गया? एक चम्मच क्या बन गया? आपका नमक बन गया है ना। तो जाकर जो खाने वाला नमक दो, खाने वाला जो नमक है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl है। क्या केमिकल फॉर्मूला? NaCl है ना, NaCl है, ठीक ठीक सर। ये क्या हो गया? पानी हो गया। ये क्या हो गया बाबू? H2O को क्या कहते हैं? पानी। ये पानी हो गया, पानी हो गया। म्यूट करो बाबू, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। H2O2 क्या बाबू? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये सब नाम याद रखना, ये सब नाम को क्या करना याद रखना। अरे शैतान म्यूट करो ना बाबू, किसका म्यूट? शिवांगी बाबू म्यूट करो ना। ए शिवांगी, ये H2O2 क्या हो गया बाबू? हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, याद रखना। नेक्स्ट बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम है। अभी कल से एप्पल को काटे थे तो सबसे छोटा वाला पार्ट ऑब्टेन हुआ था, वो क्या होगा? आइटम होगा, आइटम होगा, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, चार पांच वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या कहता है बाबू? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, तो जो भी आइटम है सिंगल एक आइटम वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्री स्टेट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा? वो अकेले पसंद रहना नहीं करेगा है ना बाबू, अकेले नहीं रहेगा। जब भी रहेगा वो आइटम कैसे रहेगा? कंबाइन स्टेट में रहेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना? कोई भी आइटम बाबू एकदम छोटा सा पार्ट कट करते जाओ ना, तो वो जो होगा वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका अस्तित्व भी नहीं होता, ठीक है ना? उसका अस्तित्व भी नहीं होता है ना बाबू, ठीक है? जब भी एग्जिस्ट करेगा, जब भी बाबू वह एग्जिस्ट करेगा, किस में एग्जिस्ट करेगा? कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जैसे क्या सर? जैसे बाबू, जैसे बाबू, जैसे क्या बाबू? ठीक है ना, ठीक है, जैसे क्या? जैसे मान लो बाबू मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन है बाबू, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से, ठीक है? तो ये कभी भी बाबू सिंगल ओ नहीं रहेगा, जब कभी भी बाबू सिंगल ओ नहीं रहेगा, ये जब भी रहेगा वो कंबाइन स्टेट में। मतलब या तो बाबू ये अपने अपने जैसा एक और ऑक्सीजन एटम को लाएगा और इस तरह से ओ टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी क्या सर? ऑक्सीजन आइटम है। अभी ये क्या सर? सिंगल एक ऑक्सीजन आइटम है, तो ये बाबू कभी भी अकेले नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। जब भी रहेगा वो एक और बगल से ऑक्सीजन लाएगा और दूर जोड़ के दोस्ती करके O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा है ना, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा है ना। तो अब O2 क्या हो गया सर? O2 मॉलिक्यूल्स हो गया। O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया ना बाबू, दो आइटम को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। तो हमेशा ऑक्सीजन बाबू चाहे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बहुत, हाइड्रोजन भी अकेले ऐसे एक एक हाइड्रोजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, एक हाइड्रोजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एग्जिस्ट कर कैसे करेगा? कैसे करेगा? एक और बगल से लाएगा, एक और हाइड्रोजन लाएगा और कैसे रूप में एग्जिस्ट करेगा? H2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा, H2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा है ना बाबू, H2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा। मतलब सिंगल आइटम का बाबू, सिंगल आइटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना। लेकिन सर, लेकिन बाबू कुछ कुछ ऐसे आइटम है बाबू, कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो सिंगल माने सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इनर्ट गैस या नोबल गैस। तो नोबल गैस जो भी है बाबू, नोबल गैस जो भी है, नोबल गैस जो भी है, तो आप लोग बाबू पीरियोडिक टेबल में देखना, सारे को बोलें शैतान की पीरियोडिक टेबल खरीद लो, ठीक है ना, बड़ा वाला, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में देखना बाबू, इधर एट ए ग्रुप हो, किधर सर? इधर जीरो से स्टार्ट करना है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स एटीन ए ग्रुप होगा आपको बाबू पीरियोडिक टेबल में लिखा हो। अठारवा ग्रुप जाना सबसे लास्ट में, इधर बाबू पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट वाला जैसे वर्टिकल लाइन होगा, कॉलम होगा है ना, जो वर्टिकल कॉलम होगा, यहाँ पे क्या होगा बाबू? हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा और रेडॉन होगा है ना बाबू। यहाँ 18 पीरियोडिक टेबल में शैतान, आप लोग पीरियोडिक टेबल ओपन करना है, वहाँ 18 ग्रुप देखना है ना बाबू, ठीक है? तो ये जो सारे गैस है बाबू, ये जो सारे गैस है, ये सारे किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया है ना बाबू। तो आप लोग देखते हो बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, बताओ तो शिवांगी? आर्गन। बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है बताओ संजना? जो बल्ब हम लोग जलाते बाबू, कभी बल्ब को फोड़े हो?
हाँ बाबू, बल्ब को कभी फोड़े हो, कभी बल्ब को फोड़ना, उसमें गैस भी रहता है तो बस पाउडर देखे नहीं सतान। 10 रुपया वाला बल्ब जो व्हाइट वाला पहले आता नहीं था, उसको कभी फोड़ना, देखना फोड़ेगा तो आवाज करेगा। तो बल्ब कभी फूटा है बाबू? बल्ब कभी पहले वो यस है तो बल्ब फूटेगा तो सर कांच रहता है तो आवाज तो करेगा ही। अरे बाबू तब उतना आवाज नहीं करना चाहिए बाबू जितना उसका एक्चुअल नहीं सर लगता है जैसे उसके अंदर से कुछ निकलता है सर, पटाखा जैसे सर फटता है, जैसे सर गुब्बारा ठीक है ना। अरे शैतान, बल्ब इस तरह से बाबू है ना, ये क्या हो गया, बल्ब का फिलामेंट हो गया, तो इसमें बाबू गैस रहता है। अच्छा हाँ, एक रखा हुआ होगा ठीक है ना, आप लोग कितना खर्चा करवाओगे? ये सब बल्ब नहीं फूटेगा, आप तो बाबू चेंज हो गया ना, अब एलईडी बल्ब है, वो 10 रुपए वाला जो आता है, पहले जो रेड जलता था 10 रुपए वाला आता है ना, वो बल्ब फोड़ना है ना। चाहे ट्यूब बाबू, लंबा वाला ट्यूब आता था है ना, 40 वाट का ट्यूब आता था, इतना लंबा नहीं है वो ट्यूब आता बाबू, उसमें भी बाबू उसमें है ना, तो उसको भी फोड़ोगे तो उसमें हाँ ट्यूबलाइट रहेगा, उसमें भी गैस रहता है। तो ये जो बल्ब है बाबू, बल्ब है इसमें गैस भरा जाता है, गैस भरा जाता है। तो यही जो देखो नोबल गैस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। शांति से सुनो, नोबल गैस बाबू, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहने का मतलब बाबू, ये किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करेगा, किसी भी और गैस से कोई रिएक्शन नहीं करेगा है ना, इसीलिए इसका नाम इनर्ट रख दिया गया, नोबल रख दिया, कि और किसी गैस से रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा है ना बाबू। तो इसके जो भी ये गैस है बाबू, जो भी ये गैस है, हीलियम, हेलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडॉन, ये सब सारे जो भी गैस हैं बाबू, गैस है ना, तो इसके आइटम, गैस वो एक छोटा पार्टिकल क्या होगा, आइटम होगा, तो उसका आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब नोबल गैस का जो आइटम है बाबू, नोबल गैस का जो आइटम है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी का भी आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब अकेले नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। और इसका इस एलिमेंट को, इस गैसियस एलिमेंट का, गैसियस एलिमेंट का आइटम क्या करेगा, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ठीक। तो हम आपको ये बता रहे थे बाबू, जो बल्ब होता है बाबू, तो इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है। आर्गन गैस क्यों भरा जाता है बाबू, इसलिए बाबू कि आर्गन गैस क्या बाबू, इनर्ट है, ये किसी रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी गैस से रिएक्शन नहीं करेगा है ना बाबू। तो बल्ब के अंदर देखना बाबू, इस तरह से ऐसे ऐसे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। आपको हम दिखाए भी हैं, बात ही में पढ़ाएं बाबू ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाएं बल्ब के बारे में। ये फिलामेंट होता है, बल्ब का क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब मान लो ये रिएक्टिव गैस रहता बाबू, रिएक्टिव गैस रहता तो बल्ब के फिलामेंट के साथ रिएक्शन कर लेता, रिएक्शन करके हो सकता है बल्ब के फिलामेंट को क्या करता, मान लो कोरिजन लगा देता, जंग उसमें लगा देता, तो ये फिलामेंट क्या होता बाबू, खराब हो जाता, टूट जाता बाबू। तो इसीलिए बाबू बल्ब में क्या भरा जाता है, इनर्ट गैस भरा जाता है, ताकि ये किसी गैस से, किसी एलिमेंट से, चाहे किसी गैस से रिएक्शन ही नहीं करे। तो रिएक्शन नहीं करेगा मतलब क्या होगा, न्यूट्रल होगा, इनर्ट रहेगा है ना, ताकि आपका जो भी फिलामेंट है बाबू, उस सही सलामत रहे ना। अब इसमें बाबू मान लो कि ऑक्सीजन भर दोगे, तो ऑक्सीजन भर दोगे बाबू, आई फिलामेंट से रिएक्शन करके क्या करेगा, कोरिजन कर देगा। देखते नहीं बाबू आप लोहे को, बाबू लोहे को ऐसी हवा में खुला छोड़ दो है ना, उस पर पेंट नहीं करो, तो देखना उसने उस पर बाबू एक ब्राउन कलर का क्या चढ़ेगा, कोरिजन हो जाएगा, ब्राउन कलर का एक लेयर आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं, जंग कहते हैं ना। तो उससे लोहा क्या होता है, कमजोर होता है ना। तो इसी कारण बाबू बल्ब में कैसा, इनर्ट गैस भरते ताकि किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करे है ना ठीक है। काहे पर खड़ा, काहे सतीश, शिवम बाबू प्लीज ठीक है। तो ये सब बाबू क्या, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस का आइटम बाबू, इनर्ट गैस का आइटम क्या होते हैं, फ्री एग्जिस्ट करते हैं, माने अकेले में रहेगा है ना, अकेले रहेगा, बाकी किसी भी गैस का आइटम बाबू, किसी भी गैस या किसी भी एलिमेंट का आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही लिखे बाबू, आइटम ऑफ बाबू नोबल गैसेस, नोबल गैसेस क्या बाबू, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान बाबू, है वाले ओनली फ्री एग्जिस्टेंस है ना, इसके आइटम क्या होंगे, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ये सतीश, इस शैतान हो, सब काहे से करते बाबू, मात्र 2 मिनट वीडियो ऑन रखा, पबजी खेलने लग गया सतीश। अरे शिवम बाबू, सभी सब पबजी और ये खेलता वो खेलता, फ्री फायर। हाँ बाबू फ्री फायर, अब व्हाट्सएप चैट करता। अरे सतीश, ये सुनेगा नहीं, इसके रुको अभी आएंगे। सुबह सुबह आपको क्या हुआ सतीश बाबू, नेक्स्ट करके बाबू क्या कर रहे हो मोहित, यही वाला क्या, यही वाला
अरे ये लिखा है थोड़ी बाबू, ये समझाए थे ना ये प्रकाश सिंह, कहा है आप लोग मैंने, ठीक है मोहित ठीक है, सतीश बाबू ना सुनिएगा, रुकिए पापा फोन कर वाला स्टेटमेंट एक बार बता दीजिएगा, ठीक क्या बाबू थर्ड वाला स्टेटमेंट एक बार बता दीजिएगा सर। अरे बाबू ये बाबू देखो जो भी आइटम है बाबू, जो भी आइटम है बाबू ठीक है ना, तो फ्री स्टेट में नहीं रहता, लेकिन जो नोबल गैसेस है 18 18 एक ग्रुप का बाबू, 18 एक ग्रुप का ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल आज लाते हैं, बड़ा वाला खरीद के लाते हैं, पीरियोडिक टेबल लाएंगे, 18 एक ग्रुप का जो जो भी एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट है, तो वो क्या होता है उसके आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब क्या बाबू वह अकेले रहेगा, बाकी रेस्ट ऑफ एलिमेंट का वो 18 हो तो सर उसमें 3 स्टेट एग्जिस्ट करेगा। 18 एक ग्रुप का वो एलिमेंट, 18 एक ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल तो अभी तक खरीदे नहीं, ऊपर कर बोले थे कि पीरियोडिक टेबल खरीदने के लिए, आपको क्यों बोले बाबू ठीक है, तो खरीदे तो हो नहीं तो कैसे समझ में आएगा, खरीदिएगा मम्मी को बोलिएगा कि पीरियोडिक टेबल बड़ा वाला ले आने के लिए है ना, इतना दिन से बोल रहे हैं, 4 महीना से बोल रहे हैं। सतीश बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू ऑल आइटम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ए सतीश ये बोल क्यों नहीं रहा, ऑल आइटम बाबू ऑल आइटम बाबू ऑफ गिवन एलिमेंट सर खुद सो गए होंगे और फोन को चलते चलते सुला दिए होंगे। हाँ बाबू ऑल आइटम बाबू ऑफ गिवन एलिमेंट आर बाबू सिमिलर सिमिलर बट बाबू दे सर वो लेफ्ट हो गए थे सर अभी ज्वाइन हुए हैं। फिर ऑल आइटम ऑफ बाबू गिवन एलिमेंट आर बाबू सिमिलर बट दे डिफर फ्रॉम लिखे फ्रॉम बाबू फ्रॉम आइटम ऑफ अदर एलिमेंट आइटम ऑफ अदर एलिमेंट। ये कौन है डॉट डॉट क्वेश्चन क्वेश्चन सर ये वाला आईडी आ जाएगा कोई दिक्कत, आप प्रखर बहुत बोलती है, काम कीजिए पहले अपना ठीक है ठीक बाबू। जैसे बाबू एग्जाम्पल ऑल आइटम ऑफ सोडियम, ऑल आइटम बाबू ऑफ सोडियम इसको क्या कहेंगे एन आर सिमिलर, सिमिलर बाबू बट दे आर but they are deeper from those of chlorine, chlorine का सिंबल सीएल। सारे स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल खरीद लगा ठीक ना, संजना ए संजना शैतान क्या कर रही हो, व्हाट्सएप कर रही हो, कुछ कुछ स्टूडेंट ना बहुत परेशान करता है, सतीश का नेटवर्क नहीं है ठीक है बाबू। संजना लिखे समझाते हैं, नेक्स्ट बाबू ईच आइटम ऑफ एन एलिमेंट सो ऑल प्रॉपर्टीज, सो ऑल प्रॉपर्टीज सर ये क्या जो आप टेबल के नीचे लिखवाए थे उसी से लिखना है जोड़ के, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखाए थे ना यहाँ तीन बाबू उसी को कंटिन्यू, वही सर वही बोल रही हूँ। हाँ हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स से नीचे कंटिन्यू कीजिए, ईच आइटम ऑफ बाबू एन एलिमेंट बाबू सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट फॉर एग्जांपल बाबू, चलो जैसे ईच आइटम
each atom of sodium. पीरियोडिक टेबल सारा स्टूडेंट बड़ा वाला खरीद लेगा, ठीक है ना? सन्ना खरीदी बाबू? नहीं ना खरीदी अभी? नो सर. कब खरीदोगे बाबू? जब केमिस्ट्री खत्म कर देंगे तब बाबू. बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा, ठीक है ना? इतनी का मत खरीदना, A4 साइज का. छोटा खरीदोगे छोटा बुद्धि होगा. So the properties of sodium. Periodic table जल्दी इसका element का नाम याद रहेगा तब ना बाबू. Sodium को Na से represent करते हैं बाबू, और calcium को Ca से represent करते हैं. नहीं खरीदोगे तो कैसे होगा? लिखे जल्दी से समझाते हैं.